Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss the video from the easy food recipes. Hello friends, आज मैं आपको मार्केट जैसी टेस्टी पाव भाजी घर पे कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगी और इस तरह से पाव भाजी बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के पाव भाजी भी भूल जाएंगे। तो चलिए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम आलू को छीलकर इस तरह से काट लिया है। 200 ग्राम जितना फूल गोभी उसे इस तरह से काट लिया है। 1 मीडियम बैंगन को छीलकर उसमें से 4 पीस कर लिए हैं। 1 मीडियम गाजर को छीलकर कद्दूकस कर लिया है। 2 मीडियम प्याज को छीलकर इस तरह से काट लिया है। 1/2 कप फ्रोजन मटर के दाने लिए हैं और उसे भी बॉईल कर लिया है। 2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ बीट को छीलकर उसे ग्रेट कर लिया है। 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज और 1/2 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 कली लहसुन की, 5 मीडियम टमाटर को इस तरह से काट लिया है, इसे हम ग्राइंड करेंगे, गरम मसाला, जीरा, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक स्वाद अनुसार। पाव भाजी में डालने के लिए ये हमने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला लिया है, अमूल बटर और ऑयल। अब सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करके रेडी करेंगे। तो गैस ऑन करके हमने एक प्रेशर कुकर को गैस पर रख दिया है और उसमें 1 ग्लास जितना पानी डाल दिया है। अब उसमें आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन और ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक ऐड करके मिला लेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। प्रेशर कुकर में 3 विसल आने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। अब जब तक हमारी सब्जियां बॉईल हो रही है तो दूसरी ओर हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालेंगे। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे और उसे ग्राइंड करेंगे। अब उसी जार में टमाटर डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब पाव भाजी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करके दोनों को मिला लेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। प्याज और कैप्सिकम में स्पून से चलाते रहना है। प्याज रोस्ट हो चुका है तो अब इसमें मिक्सर जार में जो हमने टमाटर की प्यूरी रेडी की है वो ऐड करेंगे। अब उसमें ग्रेट किया हुआ बीट ऐड करके मिला लेंगे। अब कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और इसे कुक होने देंगे। जब तक इसमें से ऑयल बाहर नहीं आ जाता तब तक हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसमें से ऑयल भी बाहर आ चुका है। अब इसमें 1/4 टीस्पून जितनी हींग ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके मिला लेंगे। अब कढ़ाई को वापस ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से कुक होने देंगे। बीच बीच में हमें इसमें चलाते रहना है। अब प्रेशर कुकर में जो हमने सब्जियां बॉईल की थी उसे मैश करेंगे। सब्जियों में से एक्स्ट्रा पानी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सब्जियों को मैश करेंगे। अब उसमें बॉईल किए हुए मटर ऐड करके उसे सब्जियों के साथ मैश करेंगे। थोड़े से मटर बचा के रखेंगे, उसे बाद में ऐड करेंगे। अब कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे। मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं आप देख सकते हैं और उसमें से ऑयल भी बाहर आ चुका है। अब उसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करके मिला लेंगे और साथ में बॉईल की हुई सब्जियों का मावा ऐड करके मिला लेंगे। अब कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे
और इसे 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। पाव भाजी में बीट और गाजर ग्रेट करके डालने से इसका कलर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे और उसमें स्पून से चला लेंगे। 2 टेबल स्पून बटर ऐड करके पाव भाजी के साथ मिला लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करके मिला लेंगे। 1/2 लेमन जूस ऐड करके मिला लेंगे। हमने पाव भाजी ऑयल में बनाई है और बाद में उसमें बटर ऐड किया है, इसे हम ऑयल की जगह बटर में भी बना सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए पाव भाजी को कुक होने देंगे। पाव भाजी रेडी हो चुकी है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके मिला लेंगे। अब देख सकते हैं पाव भाजी दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और इस तरह से मसाले डालने से पाव भाजी टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। पाव भाजी सर्व करने के लिए एक डिश में निकालेंगे और उसे पाव के साथ सर्व करेंगे। पाव को हमने बटर के साथ सेक कर रेडी कर लिया है। पाव को सेकने के लिए बटर में हमने पाव भाजी मसाला ऐड किया था, इससे पाव भाजी का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और इस तरह से पाव भाजी बनाइए। इस तरह से पाव भाजी रेडी करेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।